आप लोगों का स्वागत है बायोलॉजी विद दिवाकर सर के क्लास में। आज के अंक में हम स्टडी करेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लास्ट टाइम हमने बताया था कि ये चार तरीके का होता है, जिसका पहला पार्ट है भूमिगत तनु द्वारा, अर्धवायवीय तनु द्वारा, पत्तियों द्वारा, पत्र परिकल्पाओं द्वारा, मतलब बाय अंडरग्राउंड स्टेम, बाय सब एरियल स्टेम, बाय लीव्स, बाय बल्बिल्स। अगर आपको उस एग्जांपल से सब पूछा जाए कि बाय अंडरग्राउंड स्टेम से किसमें रिप्रोडक्शन होता है तो क्या बताएंगे? प्याज हो गया, ओनियन और रेडिस। रेडिस नहीं आएगा इसमें क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के का पार्ट नहीं, ये अदरक, अरबी, हल्दी, केला भी होता है। ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट का, अर्धवायवी तनु का, मतलब सब एरियल स्टेम। ये देखो अंडरग्राउंड का मतलब से जमीन के अंदर रहेगा, और सब एरियल का मतलब होता है कि थोड़ा ये जमीन पे, थोड़ा जमीन से ऊपर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब एरियल अर्धवायवी तना। जैसे इसको हम चार भागों में बांट लेंगे इसकी स्टडी करने के लिए। ये चार तरीके से हो सकता है। पहला भूप्रसारी, अंतर भूस्तारी, भूस्तारी, भूस्तारिका। इसका मतलब समझिए, जैसे हम पहले एग्जांपल देखते हैं साइनोडॉन डैक्टिलियन। मैंने स्पीशीज लिखा है कि स्पीशीज उसका डैक्टिलियन होगा। ये सामान्य तौर पे दो घास है, इसको आप लोग देखते होंगे। वो क्या करता है, जमीन पे ग्रो करता रहता है। जमीन पे ग्रो करने का मतलब कि जमीन के हॉरिजॉन्टल ग्रो करता रहता है, और उसमें अस्पष्ट ये नोड है, ये नोड है, इसके बीच में इंटरनोड दिख रहा है। तो जहां से ये टूटेगा, और जैसे मान लो यहां से ये क्रैक ब्रेक हो गया, तो देखो यहां पे ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, आगे से लगे नया पार्ट बनाना शुरू कर देगा। तो ये इस तरह के अर्धवायवी तनु को क्या हम कहेंगे? रनर कहेंगे, भूस्तारी कहेंगे। अगला अंतर भूस्तारी क्या है? सकर बोलते हैं। अंतर भूस्तारी का मतलब है कि इसमें कोई प्लांट है, और उस प्लांट के स्टेम से एक नया स्टेम निकलेगा और जमीन से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगा, और इसी को हम बोलेंगे सकर। इसका एग्जांपल होता है गुलदाउदी। अभी तो सीजन ठंडक का आ रहा है ना, मतलब अब मार्च अप्रैल में खिलेगा ये। मार्च के सेकंड वीक से इसमें ब्लूमिंग शुरू हो जाएगी, खिलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्लांट होता है गुलदाउदी का। तीसरा है भूस्तारी स्टोलन। स्टोलन का मतलब होता है कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये यही स्टोलन है। मतलब कि एक बार स्टेम ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो यहां से अगर हम कट कर देंगे तो ये पेरेंट प्लांट अलग हो गया और ये प्लांट अलग हो गया। तो ये स्टोलन का जो केस है वो स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। उसके बाद चौथा और लास्ट है भूस्तारी का ऑप्शन। आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, हाँ इसको भी देखा होगा, लेकिन अपने यहाँ का नेटिव प्लांट नहीं है, खाया जरूर होगा। ये आइकोर्निया है, आइकोर्निया क्रेस्पिस बोलते हैं इसको, जलकुंभी कहते हैं आम भाषा में। इसको बंगाल का आतंक कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। और टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं? ये पाया कहाँ जाएगा? ये पाया जाएगा नागपुर के, कैसा जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी नाम है ना इसका। तो अब देखो ये जलकुंभी कहां पाया जाएगा? पानी पाया जाएगा। तो ये इतना तेजी से रिप्रोडक्शन करता है कि दो तीन प्लांट किसी तालाब में डाल दो और पांच छह महीने बाद देखो पूरा तालाब भर गया। बहुत रैपिड रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट करता है ये। और इसका रिप्रोडक्शन यहां से होगा, ये एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, दोनों के बीच में स्टेम का पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं ऑफसेट, की पानी के ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है। अगर देखोगे तो इसके ये लीव्स में एयर भरे होते हैं, मतलब इसमें एरेनकाइमा पाया जाता है। कभी कभी गांव में जाओ तो देखो, अगर कहीं पे ढेर बना हो मतलब इसका जलकुंभी का, उसपे चलो तो आवाज पट पट की आती है। वो आवाज क्यों आती है? यहाँ से एरेनकाइमा से एयर निकलता है। ये आप लोग देख सकते हैं, गांव के बच्चे ऐसे बजाते हैं तो पत्ती से हवा निकलता है, और ये एरेनकाइमा में एयर भरे होने की वजह से पानी में डूबता नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑफसेट यानी कि जलकुंभी में जो रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा? ऑप्शन के थ्रू होगा। ये एक चार तरीके के अर्धवायवी तने होते हैं जिसके द्वारा प्लांट में क्या होता है,
वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, रनर सकर स्टोलन ऑफसेट। अब आगे हम बात कर लेते हैं पत्तियों द्वारा, बहुत अच्छा टॉपिक है कि पत्तियों द्वारा ऐसे कौन से प्लांट है जो पत्तियों द्वारा अपना प्रोपगेशन करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की श्रेणी में आएगा। तो इसको आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की पत्ती होती है, सब लोगों ने देखा होगा, और इसको कॉमनली गांव में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये इससे स्टोन यानी पत्थरी की दवा भी बनती है, इसका नाम हिंदी में अजूबा है। क्या नाम है? अजूबा। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रायोफिल्लम। बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, किसके लिए? स्टोन के लिए, पत्थरी के लिए। अब देखो यहाँ पे ये नॉच दिख रहा है, इसको पत्थर से कहते हैं ना? हाँ ये भी करते हैं। और देखो यहाँ से क्या हुआ, ऐसे रूट बनेगा, फिर यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा बर्ड निकलना शुरू होगा, आगे चल करके जब ये पत्ती पैरेंट प्लांट से अलग हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, तो ये जो बल्ब ये जो सॉरी बर्ड्स निकले हुए हैं पत्ती के कॉर्नर पे, ये आगे चल करके इनसे एक नया प्लांट। तो इस तरह से यहाँ पे एक पत्ती से कुल कितने प्लांट बन गए? 6 प्लांट। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो कहलाता है लीफ के द्वारा प्राकृतिक काइट वर्ड। प्राकृतिक हम सब क्यों प्रयोग कर रहे हैं? प्राकृतिक शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्वतः होता है, मानव का इसमें कोई रोल नहीं है। अगला है बल्बिल्स। बल्बिल्स का मतलब होता है कि ये भी एक तरह का ही मतलब पत्ती ही होता है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है। जैसे मान लो अगर हम ये कोई प्लांट है, इस प्लांट को बना रहे हैं, मान लो साइकस ही है ये, कंसीडर कर लेते हैं साइकस है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ बल्बिल्स निकलते हैं, और ये बल्बिल्स फिर आगे निकल करके जमीन पे जब उनको लगा दिया जाएगा तो इनसे क्या बन जाएगा? नया प्लांट बन जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक अब कंप्लीट होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन भूमिगत तनु द्वारा, अर्धवायवी तनु द्वारा, पत्तियों द्वारा और पत्र कलिकाओं द्वारा। तो इसका एग्जाम्पल साइकस है, एगेव है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, हालांकि एनसीईआरटी से इसको निकाल दिया गया है, लेकिन हम इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में प्लांट्स का बहुत रोल है, हम अपने घरों पे लगाते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में, इसलिए इनका काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हम इस तरह से शॉर्ट में याद कर लेंगे, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन एनवीपी ये हो गया मतलब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम, लीव्स बाय बल्बिल्स। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू।